के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज विशेष के जरिए एक अहम जानकारी आपको बता दें, दिल्ली से ही ये जानकारी मिल रही है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लिए आज विदाई समारोह रखा गया, इसके तहत विदाई रात्रि भोज आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदाई रात्रि भोज की मेजबानी करने वाले हैं और आज शाम 5:30 बजे से रात्रि भोज का आयोजन होगा। दिल्ली के होटल अशोका में रात्रि भोज का आयोजन होगा, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें शामिल होंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए रुख कर लेते हैं दिल्ली से संवाददाता प्रियंका राय का। प्रियंका, आज मौजूदा राष्ट्रपति के लिए एक फेयरवेल रात्रि भोज रखा गया है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? जी प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज दिल्ली स्थित अशोका होटल में एक भव्य आयोजन किया गया है, जिस आयोजन में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो मौजूदा राष्ट्रपति है उनको ढंग से और काफ़ी कोर्डियल फेयरवेल दिया जा सके। इसकी मेजबानी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और तमाम बड़े बीजेपी के शीर्ष नेता भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मैं आपको प्रीति बताना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। आज हरियाणा के मुख्यमंत्री भी दिल्ली दौरे पर हैं और वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो वहीं अगर बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इसमें शामिल होंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचेंगे। तो तमाम मुख्यमंत्री, तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम को बेहतर से बेहतर और मौजूदा राष्ट्रपति के लिए स्मरणीय बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए तमाम जो तैयारियां हैं वो अशोका होटल में की जा रही है और इस भव्य आयोजन को अच्छा बनाने के लिए और भी बेहतर बनाने के लिए और यादगार बनाने के लिए हर वो नेता तमाम कोशिश करेगा और वहाँ अपनी उपस्थिति मौजूद कराएगा। जी शुक्रिया प्रियंका, मसा जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो मौजूदा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल खत्म होने से पहले उनके लिए आज यहाँ पर एक रात्रि भोज फेयरवेल का आयोजन किया गया, जिसकी मेजबानी प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी। अशोका होटल में ये कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसमें सभी बीजेपी के नेता शामिल होंगे।